को नाम दिया गया है कथेतर साहित्य समय और समाज। इसमें एक प्रकार से जो आत्मकथाएं हैं और जीवनियां हैं दो, तीसरा जो यात्रा संस्मरण है, तीसरा बड़ा पक्ष है, चौथा पक्ष एक तरीके से विज्ञान लेखन या पर्यावरण लेखन का है। जो विज्ञान लेखन और पर्यावरण लेखन वाला जो पक्ष है मैं उसको पूरा का पूरा छोड़ दूंगा, ये मानते हुए कि हमारे बहुत वरिष्ठ विज्ञान लेखक और जो विज्ञान लेखक के अलावा भी बहुत तरीके की प्रतिभा को अपने में लिए हुए हैं, वो उसको डील करेंगे, वो उसको करेंगे। तो एक मुख्यतः मैं जीवनी और आत्मकथा और संस्मरण, ये एक तरीके का, और एक यात्रा साहित्य, इन पर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अब मेरे लिए मुश्किल है, जो समय है हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, और इसमें अगर हम अखिल भारतीय स्तर पर अगर ग्लोबल उसमें ढूंढने लगेंगे तो दुनिया की सबसे बेहतरीन जीवनियां और दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बेहतरीन जो आत्मकथाएं हैं यानी कि बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज वो अनंत बहुत बड़ी संख्या में है वो, और सदियों से जो है हमारी मानवता को अलग अलग समाजों को प्रेरित करती रही हैं, और जब से अनुवाद की व्यवस्था हुई है तब से उसकी पहुंच और ज्यादा दूर दूर तक एक प्रकार से हो गई है। तो मैं उसमें जरा सी सेलेक्टिव होने की कोशिश करूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं उत्तरी भारत में एक तरीके से ज्यादा केंद्रित रहूं, और उसमें भी मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं हिमालय में और उसमें भी उत्तराखंड में केंद्रित रहूं, और उस बहाने यात्रा साहित्य की बात या जीवनी की बात या आत्मकथा की बात या संस्मरण की बात एक तरीके से कर सकूं। एक कभी कभी हम लोगों को विद्यार्थी होने के बावजूद अंदाज नहीं आता है कि एक आत्मकथा में और एक जीवनी में क्या फर्क है, और सामान्य सा फर्क फिर जल्दी से समझ में आता है कि जीवनी जो किसी और के द्वारा लिखी गई होती है, किसी व्यक्ति की जीवनी जो किसी और के द्वारा लिखी जाती है वह एक तरीके से जिसको अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं, और ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन एक तरीके से है, और वो सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री में भी उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक तरीके से होता है, एक संदर्भ की तरह वो इस्तेमाल किया जाता है। और जो आत्मकथा होती है वो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें एक व्यक्ति अपने बारे में लिख रहा है, उसकी सीमाएं हो सकती हैं कि वो पेरिफेरी में रहता है कि केंद्र में रहता है, वो किनारे रहता है कि केंद्र में रहता है, मैं उस पर फिर चर्चा करने की कोशिश करूंगा। संस्मरण एक छोटा सा एक स्लाइस है, एक तरीके से आप समझो कि आप अपने जीवन का अपने जीवनानुभवों का एक स्लाइस आप संस्मरणों के माध्यम से दे रहे हैं, और यात्रा संस्मरण एक अलग तरीके की विधा है। आप जब वर्चुअली कहीं जाते हैं और वहां के अनुभव लेके आते हैं, और यह आप पर निर्भर है कि आप कितना देखते हैं, इन आंखों की विडंबना यह है कि ये सब कुछ नहीं देख पाती हैं, और इस दिमाग की ये विशेषता है कि वो हर चीज होती हुई जो हमारी प्रकृति में हमारे समाज में है उसको पकड़ नहीं पाता है। लेकिन हम अपने एक ह्यूमन बीइंग के रूप में, हो सकता है कि कोई ज्यादा प्रतिभाशाली उसमें हो लेखक की हैसियत से, वह अपनी प्रतिभा से ज्यादा गहरा देखने की कोशिश करके अपने संस्मरणों में सजोता है। जीवनी की जिसको बायोग्राफी कहते हैं हम, उसकी एक और विशेषता है, जीवनी लिखने वाले को उस जमाने पर भी जाना होता है एक तरीके से, वो उस व्यक्ति की जिसकी की जीवनी लिख रहा है सिर्फ उसके वंश में नहीं जाता है, उसके खानदान में नहीं जाता है, उसके गोत्र में नहीं जाता है, बल्कि उसके पूरे सोशल मिल्यू में जाता है, उसके पूरे सामाजिक परिवेश में जाता है कि जहां से वो उग रहा होता है, क्योंकि हम सिर्फ परिवार से नहीं उगरे होते हैं, हम एक उसके मुकाबले ज्यादा बड़े एक जिसको कहेंगे कि मिल्यू से एक बड़े परिवेश से उगरे होते हैं, जिसको हम समाज कहते हैं, कभी कभी जिसको छोटे अर्थ में हम एक कम्युनिटी शब्द भी एक तरीके से दे देते हैं, और उस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की एक प्राकृतिक परिवेश उसमें होती है, कहीं नदी कहीं पहाड़ कहीं डिजर्ट कहीं समंदर कहीं कुछ और वह किस तरीके से हमारे मानस को हमारे चेतन और चेतन को बनाते हैं उसके साथ जुड़ा होता है। अगर मैं जरूरत करूं तो हमारे जो सबसे पुराने दो बड़े महाकाव्य हैं जिनको रामायण और महाभारत के रूप में जानते हैं, उनको आप कभी गहराई से देखें तो आपको लगेगा कि वो बहुत सारी बायोग्राफीज का समुच्चय है। जैसे रामायण में सिर्फ राम नहीं है, बल्कि अगर और लोगों को लिस्ट में देंगे तो राम बहुत कम हो जाते हैं उसमें, हालांकि वो उभयनिष्ठ हर जगह होते हैं, बल्कि वाल्मीकि का रामायण पढ़ते हैं तो राम को भी एक बार खलनायक होने का दृश्य जो है वाल्मीकि रस देते हैं,
तो ये महाभारत आप देखेंगे और उसमें नायक भी हैं, खलनायक भी हैं, और इतनी बायोग्राफीज साथ चल रही हैं, कृष्ण कन्हैया की जीवनी भी उसके साथ चल रही है, और उन तमाम ऋषि मुनियों की जो कि उनके गुरु हैं या गुरुओं के बेटा हैं, जैसे कि थोड़ी देर के लिए अश्वत्थामा और उसके पिता श्री आदि आदि। तो ये जो हमारे सबसे पुराने महाकाव्य हैं, ये एक तरीके से उस जमाने के जो भी हीरो या एंटी हीरो रहे होंगे, मैं एकदम खलनायक कहने की स्थिति पर नहीं हूं उनको, क्योंकि वो भी प्रकारांतर में हीरो हैं। और हम उत्तराखंड के समाज ऐसे हैं जिन्होंने पांडवों के साथ जो है कौरवों को भी एक तरीके से भूले नहीं, हम अपनी स्मृति में, अपनी जाति स्मृति में, अपनी लोक स्मृति में। तो इन दोनों महाकाव्यों में हम देखते हैं कि जीवनियों का एक तरीके से समुच्चय है और उनसे एक महाकाव्य बनता है, और एक खास दौर रामायण का हो कि महाभारत का हो, वो हमारे सामने आता है, उस दौर की नेचर आती है हमारे सामने, उस दौर का जिसको कहेंगे कि सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य हमारे सामने आता है, उस दौर की आर्थिकी हमारे सामने आती है। अब इस जीवनी में अगर जाएं तो जीवनियां हमारे पास अपेक्षाकृत कम है, उसके मुकाबले हमारे पास लोगों ने ऑटोबायोग्राफीज ज्यादा लिखी है। जीवनी में अगर जाएं तो जैसे आप गांधी और नेहरू की जीवनी से बहुत सुपरिचित हैं, और हमारे राष्ट्रीय संग्राम के बहुत सारे हस्ताक्षरों ने बहुत बेहतरीन अपनी जीवनियां लिखी हैं, और कुछ जीवनियां ऐसी हैं कि उनके माध्यम से हम राष्ट्रीय संग्राम का दौर या उससे पहले का दौर भी जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसके बहुत सारे पक्षों में झांक सकते हैं उन जीवनियों के माध्यम से। जैसे मुझे तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई जो गांधी जी की जो पांच खंडों में फैली हुई जीवनी है, असाधारण जीवनी है, वो गांधी की ही कहानी नहीं है एक तरीके से, वो एक प्रकार से राष्ट्रीय संग्राम के उस दौर की इंटेंस स्टोरी है, जिस दौर में गांधी एक दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद एक राष्ट्रीय नेता के रूप में इमर्ज हो रहे थे। बल्कि जब आप एटनबरो की फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में आपको पहली बार विजुअली वो इंटेंसिटी महसूस होती है कि गांधी अकेले नहीं उगरे हैं, एक समाज के साथ उगरे हैं, और उस जागते हुए समाज के प्रतिनिधि वो कैसे बन रहे हैं, आप समझ रहे ना कि सामाजिक ऊर्जाएं कैसे एक हीरो को इमर्ज करा रही हैं, एक हीरो को कैसे ऊंचाइयां दे रही हैं, वह उस जीवनी में आप पाते हैं। इसी तरीके से आप एस गोपाल की जो जीवनी, अपने पिता की जीवनी उन्होंने लिखी राधा कृष्ण पर, यानी कि वो ये साहस कर सके कि उनके पिता अपने पिता के बेटे नहीं थे, उनको जब ये तथ्य पता चला उन्होंने इस तथ्य को उस जीवनी में लिखा, हालांकि अभी हिंदी में वो उस तरीके से अनुवाद नहीं हुआ। तो राधा कृष्ण जी के बेटे एस गोपाल ने, जो हमारे बहुत फॉरमोस्ट हिस्टोरियन थे, जेएनयू में कंटेम्पोररी हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे, उन्होंने वो बायोग्राफी लिखी और बहुत पठनीय है, और वो साउथ इंडिया के हिस्ट्री से आते आते एजुकेशनल हिस्ट्री और फाइनली राधा कृष्ण के इमर्जेंस और भारत के आपके चीन के और रूस के राजदूत रहने से लेकर भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने तक की कहानी उसमें है। उसमें वह दृश्य भी आपको मिलेगा कैसे वो एक दिन स्टालिन को अशोक की कहानी सुना रहे थे कि अशोक ने जो है कलिंग के युद्ध के बाद कैसे वॉर छोड़ दिया, और उसके गाल को छूने का भी उनको एक तरीके से दुस्साहस या जो भी कहें मौका उनको मिला था। वो जीवनी बहुत पठनीय है, और उन्होंने नेहरू जी की भी एक बायोग्राफी लिखी थी। इसी तरीके से कुछ और बायोग्राफीज हैं, जैसे राम गुहा की एक बहुत ही फैसिनेटिंग बायोग्राफी है, उसका शीर्षक है सेवेजिंग द सिविलाइज्ड, वो वॉरियर एल्विन की कहानी है, और वॉरियर एल्विन ने किस तरीके से हमारे जनजातियों को देखा, एक अंग्रेज एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, हमारी जनजातियों का कितना गहरा और कितना सम्यक अध्ययन वो करता है, और बाद में नेफा की पूरी पॉलिसी बनाने वाला वो व्यक्ति था, उसने ये भी कहा था कि किस अनुपात में हम लोगों को जनजातियों को छेड़छाड़ करनी चाहिए और किस अनुपात में उनके जीवन में नया पॉजिटिव हस्तक्षेप होना चाहिए। आज सुबह की बहस भी हो रही थी जब लोक की चर्चा हो रही थी, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट थे लेकिन उस समय समय नहीं था, तो इसने पहली बार ये किया, ये नथों एक सांवला कैसे आ गया, और उन्होंने पिछले जनरेशन भी देखे, उन्होंने पूछा भी अपनी पत्नी से, उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ तो गोरे हैं सब, और ये खुद विल्सन अंग्रेज था, तो वो एक शक बना रहा, और बाद में यही जो मनोविज्ञान था उसने नथु को पागल बना दिया, और वो हमारे फोकलोर में अभी है। तो फिलहाल कालाजी की जो दूसरी किताब थी, और वो हमारे ही भूगोल, हमारे ही हिमालय के एक हिस्से में काम किए हुए एक व्यक्ति ने, जिसने लॉगिंग शुरू की, जिसने पहली बार राफ्टिंग यानी कि लकड़ियों को बहा करके नीचे भेजने का सिलसिला शुरू किया, उनकी कहानी है। इन जीवनियों के बाद यानी कि बायोग्राफीज के बाद मैं ऑटोबायोग्राफीज की तरफ आता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है। तो ऑटोबायोग्राफीज में हमारे पास बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गांधी जी की बड़ी मशहूर माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ हम लोगों के सामने है, और दुनिया की सबसे पढ़ी हुई किताबों में से है। नेहरू की जो ऑटोबायोग्राफी है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, उसके कुछ हिस्से यहां भी लिखे गए देहरादून में भी, जहां कल हमारे पहले वक्ता
कल रात परसों रात रहे थे और अल्मोड़ा जेल में भी लिखे गए थे। और इसलिए वह जब जेल में लिख रहे थे और परतंत्र भारत और उसके स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिख रहे थे तो जेल की खिड़कियों से जो दृश्य दिखता था, हमारा जेल जरा सी डेमोक्रेटिक था, वो होचिमिन का जैसा जेल नहीं था। होचिमिन का जेल सिर्फ आकाश के एक स्लाइस को देखता था और उसमें कभी घूमते हुए चांद आ गया तो वो दिख पड़ता था उसको। लेकिन हमारा जेल जो अल्मोड़े का था वो अपेक्षाकृत जनतांत्रिक था क्योंकि उसकी खिड़की से सामने के पहाड़ और नंदा देवी दिख जाती थी। तो अगर आप नेहरू की आत्मकथा पढ़ेंगे तो उसमें ये सब प्रसंग एक तरीके से आते हैं। ये बहुत पठनीय एक तरीके से जीवनियां हैं और भी बहुत से लोगों की हैं, लेकिन मैं जरा कंजूसी करसे में कुछ छोटी चीजों में आना चाहता हूं। जैसे एनएस थापा जो हमारे बहुत ही सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर थे और उत्तराखंड से थे, मैं तो नेपाल का थापा समझ के 6 साल 7 साल उनको खोजता रहा और बाद में पता चला कि उत्तराखंड के हैं और पिथौरागढ़ जिले के हैं और थापा तो फौज में भर्ती होने के लिए वो बने, वो तो धामी थे वहाँ के। और उनसे 5 साल बाद हम एक जीवनी लिखाने में कामयाब हुए, उसका नाम ही था द बॉय फ्रॉम लंबाटा। तो उस जीवनी में आप देख सकते हैं कि पहाड़ी गाँव की जो एक गरीबी है, अशिक्षा है, उससे कैसे एक बच्चा उभर के आ रहा है। उसमें एक दृश्य तो मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने वो नहीं पढ़ी होगी, कि एनएस थापा नारायण कहते थे उनको, उनके भाई को, उनकी माँ जो है बीच में कमरे में चूल्हा है, ब्राह्मण के यहाँ 2 चूल्हे हुआ करते थे, बकाया हमारे पूरे हिमालयी समाजों में 1 चूल्हा होता था, तापने का भी होता था, खाना बनाने का भी होता है। जब धोती लगाने वाले यानी कि जो संस्कृताइजेशन की प्रोसेस शुरू करने वाले यहाँ आए तो उन्होंने जहाँ जहाँ से आए वहाँ के कल्चर को शुरू किया। तो वो पक्की कच्ची रसोई का सिलसिला उन्होंने एक तरीके से शुरू किया और वो इस भूगोल में वो पता नहीं किन कारणों से वो अब तक चला आ रहा है एक तरीके से। एनएस थापा को वो जो मट्ठा माथने की जो थुम्मी होती है उसमें माँ बांध गई और उन दोनों बच्चों को एक एक गांठ लगा करके फानेड़ी धोती को उससे बांध गई और अपना घास के लिए चले गई। जब वो लौटी तो एनएस थापा के जो भाई थे वो खुल गए, वो किसी तरीके से बच्चा बाहर निकल गया और नटखट होगा या धोती बहुत सख्त नहीं बंधी होगी और उन्होंने घोल में हाथ डाल दिया और उनकी अंगुलियां होगी। जब उनके गांव में मैं गया तो उनकी ये 3 अंगुलियां नहीं थी, तो यहां से उनकी जलालत शुरू हुई। लेकिन फिर वो अपने चाचा के साथ पढ़े शिलोंग में और फिर गुरखा राइफल में भर्ती हो गए। बर्मा फ्रंट पर उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के दौर में ही अंग्रेजों ने निश्चित किया कि वॉर को डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए और वॉर डॉक्यूमेंट करने के लिए कैमरा आ गया बड़ा भारी वाला। हाल हाल तक आपने देखा होगा कि कैसे कैमरामैन कंधे में लाद के कैमरे को चलता था और इनकी बंदूक ले ली गई, इनको कैमरा दे दिया गया, इन्होंने वॉर मूवी बनानी शुरू की। फिर लंबी कहानी है और आज़ादी जब मिली तो फिल्म डिवीजन में इनका चयन हुआ, चीफ फिल्म डिवीजन की। आपको ख्याल होगा जब आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते थे तो बम्बई की बॉलीवुड की फिल्म से पहले एक फिल्म डिवीजन की फिल्म आती थी और वो हर बार न्यूज़ आती थी प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय एनएस थापा होता था। ये उनकी जीवनी है। तो इस जीवनी में एक विहंगम जो है वहां तक का, फिर कैसे वो नेहरू के साथ रूस गए, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज गए और किस तरीके से उन्होंने नेहरू पर फिल्में बनाई, कैसे एवरेस्ट पर फिल्म बनाई, 550 फिल्में बनाई और भारत का उनके दौर का कोई राष्ट्रपति कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जिसने उनको सम्मानित नहीं किया हो और दुनिया के जितने बड़े डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल होते हैं उनको उनको सम्मानित किया। तो उनकी एक बहुत फैसिनेटिंग जीवनी हमारे बीच में है, अभी इस बार वो हिंदी में भी आएगी ऐसी हमारी उम्मीद है। एक और आत्मकथा, वैसे तो इस बीच बहुत आत्मकथा आई है लेकिन आत्मकथाएं आई हैं, जैसे मैं एक का नाम लेना चाहता हूं, खड्ग सिंह बल्दिया हमारे बहुत ही फॉरमोस्ट साइंटिस्ट हैं और उनको भी समझाना बहुत मुश्किल हुआ कि भाई आपका जीवन जो है अगर वो आपका ही होता तो हम क्यों आपके पीछे पड़ते, ये हमारा भी है तो आपके अनुभव अगर हमारे नई पीढ़ी के सामने आ जाएंगे तो इंस्पायरिंग रहेगा। एक बच्चा जिसकी सुनने की शक्ति बचपन में ही चली गई, जो डॉक्टर बनना चाहता था, फिर दादा ने कहा कि अबे तू डॉक्टर कैसे बनेगा, वो कान में जो डालते हैं वो तो तेरे तक पहुंचेगा ही नहीं है, उसके धड़कन की आवाज। उनको फिर एक गुरु मिले, यहीं पौड़ी के रहने वाले बहुड़ा जी थे जिन्होंने वहां आपके धारचूला से ऊपर एक स्कूल था पांगू में, तो वहां उनसे वहां से ट्रांसफर होकर पिथौरागढ़ आए, उन्होंने कहा कि तुम जियोलॉजी पढ़ो और वो फिर जियोलॉजी पढ़ने लगे। ये जिसने पूरे ज्यादातर साहित्य अपने आर्टिकल्स अपने जियोलॉजी की किताबें अंग्रेजी में लिखी हैं, उन्होंने ये हिंदी में लिखी हैं और इतनी फैसिनेटिंग हिंदी है और उनके अनुभव आप देखेंगे क्योंकि उनका जन्म बर्मा में हुआ जहां उनके दादाजी जो हैं व्यापार करने के चले गए थे। तो ये एक ऐसी कहानी है जो सोर से लेकर म्यांमार तक जाती है
और आपको एकदम से उसको पढ़ते हुए, अगर कभी आपने बर्मीज डेज पढ़ी होगी जॉर्ज ऑरवेल की, जो 1900 करीबन मेरे ख्याल में 32-33 में छपी होगी, जो ब्रिटिश शासन की निरंकुशता का सबसे बड़ा दस्तावेज था। ये वही ऑरवेल की बात कर रहा हूँ जिसने 1984 लिखा, जिसने एनिमल फार्म लिखा, वो पुलिस अफसर था, पर उस बर्मा में हमारे बल्दिया साहब का जन्म हो रहा है। वहां से फिर पिथौरागढ़ तक आने की कहानी, फिर एक जियोलॉजिस्ट बनने की कहानी और आगे तक जाती है। ये आत्मकथा भी बहुत फैसिनेटिंग है। अभी राजेंद्र लगे हुए हैं कोशिश में कि हम अपने पुरोहित जी को इस बात के लिए मनाएं, वो पिंडर घाटी से लेके यहां तक पहुंचने की अपनी आत्मकथा को लिखें, क्योंकि उसके बहाने आप एक पूरे एक ऐसे परिवेश की दास्तान आगे लाएंगे कि कितने स्ट्रगल्स के बाद, कितने संघर्षों के बाद एक बच्चा आते आते ऐसे बिंदु पर, ऐसी ऊंचाई तक पहुंचता है। और ऐसे बहुत सारे लोगों से हमने, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट की यात्रा सत्फरण इस बीच आए हैं, पर्वत पर्वत धरती धरती, तो वो सिर्फ हमारे यहाँ की कहानी नहीं है, उन्होंने हिमालय में और इनत्र जहां जहां की यात्राएं की वो सामने आए। तो आपके पास एक कंपेरेटिव सिनारियो आ जाता है कि कैसे और पर्वत हैं जिनकी तुलना हम अपने यहाँ से कर सकते हैं, किन अर्थों में वो भिन्न है, किस अर्थों में उनके यहाँ प्रबंधन अच्छा है, वगैरह वगैरह। वैसे देवेंद्र मुझे आप आज्ञा देंगे ही, जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनकी भी एक बहुत ही बेहतरीन पढ़नी किताब आई है। उस किताब का नाम है मेरी यादों के पहाड़, नेशनल बुक ट्रस्ट ने वो छापी है। मेरी यादों के पहाड़, वैसे तो अब वो जा रहे हैं 70 के करीब जा रहे हैं, लेकिन ये उस दौर की कहानी है जब वो वहां क्या बोलते हैं उखलकांडा में पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर करके आ रहे हैं, वहां तक की ही कहानी है। नैनीताल में डीएसबी आने के बाद वो कहानी खत्म हो जाती है, और उस माध्यम से आप नैनीताल जिले के उस अंतर्वर्ती तथाकथित पिछड़े लेकिन बहुत समृद्ध क्षेत्र, जिनके यहाँ दुगड्डा और यहाँ की तरह आउट माइग्रेशन भी होता था, भाबर के गांव में घमतप्पा बन के आप जाड़ों के लिए जाते थे, बाघ भी बहुत होते थे, जिम कॉर्बेट भी आता था, वहां की स्टोरी वो अनुभव अपने बचपन के उन्होंने पूरे के पूरे दिए हैं। तो एक जो 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 ग्रामीण उत्तराखंड का एक स्लाइस हो सकता है, जरा जरा फर्क के साथ बहुत जगह, वो उस आत्मकथा में आया है। कहीं कहीं उन्होंने कंजूसी की, कहीं कहीं संपादन में वो हो गई, आगे उसका दूसरा खंड आएगा। वैसे मैं यहां पर यह भी जोड़ना चाहता हूं कि जितने बेहतरीन उपन्यास लिखे गए हैं उनका बड़ा हिस्सा ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि वो आत्मकथा से ही विकसित हुआ है। जैसे मैं बाद में भूल जाऊंगा, रमेश चंद शाह का जैसे अल्मोड़े में की पृष्ठभूमि पर जो उपन्यास है गोबर गणेश, उसमें जब वो हीरो इलाहाबाद जाता है तब से कहानी गड़बड़ा जाती है। जब तक वो हीरो जिसका नाम गणेश गोबर है, गोबर गणेश है, वो अल्मोड़ा में है, तब तक आप देखेंगे कि उसके माध्यम से वो अल्मोड़े की पूरी कहानी है, और अल्मोड़े का जो मिलियो है गांवों का, जिनसे आके जिन्होंने अल्मोड़ा बनाया, या जैसे श्रीनगर बना उसी तरीके की कहानी, वो बहुत प्राणवान है। आप मनोहर श्याम जोशी के कुछ उपन्यासों को देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, जो सबसे मशहूर उपन्यास है उनका कसब, तो कसब भी बड़ी सी बात तक ऑटोबायोग्राफिकल है। हालांकि वो नहीं रहे यहाँ ज्यादा, उनकी पैदाइश अजमेर की रही, लखनऊ में उन्होंने पढ़ा, लेकिन पढ़ाने के लिए यहाँ मुक्तेश्वर वगैरह आए, लेकिन वो अपने उन रिश्तेदारों में परिचितों में घनिष्ठ थे और आते जाते रहते थे, और उस बहाने कसब की वो बड़ा हिस्सा जो है कसब का एक तरीके से यहाँ बना, और औरों में भी इस तरीके का आप दे सकते हैं। तो ये जीवनी वाला है। इसी तरह जैसे हाल में योगेश धस्माना जी की नहीं, वो योगेश बहुणा जी की आत्मकथा का संस्मरणों का एक रूप आया है, वो भी इस तरीके से पठनी है। जो मैं अभी जीवनियां बता रहा था उसमें एक जीवनी में जरा सी भूल गया, वो जीवनी से ज्यादा संस्मरण है, तो मैं उसको संस्मरण में भी ला सकता हूं, लेकिन भूलने से पहले यही जिक्र कर दूं। एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट हमारे यहाँ रहे जिनका नाम लॉरी बेकर था, आप लोगों में से बहुतों ने उनका नाम सुना होगा, जिन्होंने एक तरीके से स्थापत्य विकसित किया हमारे देश में। गांधी जी ने उनको इंस्पायर किया और गांधी जी ने उनको यहीं रोक लिया, और बाद में वो अपनी मलयाली पत्नी के साथ पिथौरागढ़ में करीबन 25 साल रहे चंडाक में, और उनकी पत्नी डॉक्टर थी, तो उन दिनों उनको कंपाउंडर अपनी पत्नी का असिस्टेंट बनना पड़ता था, तो उनके भीतर का जो आर्किटेक्ट था वो बाहर नहीं आ पाया। 1962 में ये हुआ कि हमारे जितने साम्यवादी थे उनको जबरन गिरफ्तार कर लिया गया, आपको पता है विद्यासागर नोटियाल से लेकर मोहन उपरेसी तक सब गिरफ्तार करके ले जाए गए, और जिनकी सिटीजनरी यहाँ की नहीं है, जैसे कि सरला बहन और जैसे कि थोड़ी देर के लिए लॉरी बेकर, उनको पहाड़ों से बाहर जाना पड़ा। उन दिनों मेरा सरला बहन भी बाहर गई,
और उसके बाद बाहर जाने के बाद फिर बहुत मुश्किल हुई, ये केरल में बस गए। और केरल के बहुत ही प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री अच्युत मेनन ने लॉरी बेकर की प्रतिभा को समझा। उन्होंने पीपल्स, जिसको कहेंगे कि हाउसिंग के जितने प्रोजेक्ट थे, उनमें लॉरी बेकर को इन्वॉल्व किया। इसलिए उनके यहाँ बेहतरीन घर थे। उसका तर्क था अच्युत मेनन का कि ये अच्छे घरों का जो विशेषाधिकार है वो बड़े लोगों का नहीं है, अच्छे घर आम लोगों को भी चाहिए, एस्थेटिक्स वाले घर आम लोगों को भी चाहिए, उनको भी बगीचे चाहिए। तो इन्होंने ईट वाली जो कल्चर पूरी चलाई। आप जो केरल गए होंगे, केरल का त्रिवेंद्रम का हर कॉफी हाउस जो है लॉरी बेकर का बनाया है। और जो सीडीएस है, सेंटर फॉर डेवलपमेंटल स्टडीज, किरण राजवाला, उसका पूरी बिल्डिंग उन्होंने बनाई और इतने सस्ते में बनाई कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनाने के बाद इतना पैसा बचा दिया कि अब किताब भी खरीद के इसमें भर दो करके उसने कहा। उस लॉरी बेकर की पत्नी ने एक बहुत फैसिनेटिंग किताब लिखी है, अदर साइड ऑफ लॉरी, वो भी पढ़ने लायक है, हालांकि अंग्रेजी में है और हिंदी में अभी आई नहीं है। अद्भुत किताब एक तरीके से है वो, एक आर्किटेक्ट को समझने की, जिसमें हमारे यहाँ 1991 में भूकंप आया था 6.6 रिक्टर स्केल का। लॉरी बेकर पहले आने वाले लोगों में से था और उन्होंने एक किताब लिखी जो उनके राइटिंग में ही छपी, उन्होंने जो अक्षरों में लिखा उसी को स्कैन करके किताब छापी गई, उनके स्केच हैं उसमें। और उन्होंने कहा था कि जो इंडिजिनस हमारा आर्किटेक्चर है उससे हम भूकंप से लड़ने के लिए, भूकंप में सुरक्षित रहने के लिए किस तरीके के मकानों की कल्चर को यहाँ विकसित कर सकते हैं। ये भी एक पठनीय किताब है। अब ये जो आत्मकथाएं हैं, इनमें आपने क्या बोलूं क्या याद करूं, या नीड का निर्माण, फिर बच्चन की आत्मकथाएं आपने पढ़ी होंगी, और उनकी जो आलोचना करने वालों ने, उनको जानने वालों ने कहा भी इन्होंने कुछ चीजें छोड़ दी और कुछ चीजें जरा गड़बड़ा दी। जैसे अज्ञेय जी के जो संस्मरण थे क्रांतिकारियों को लेके, उस पर बहुत विवाद चला। यशपाल का आपने सियावलकुन सुना होगा, उस विषयांतर में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन दो तरीके की और जीवनियों को मैं लेना चाहता हूं। एक तो इस बीच दलितों की बहुत बेहतरीन जीवनी आई है। जब आज सवेरे लोक पर बात हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि कोई न कोई उसको कहेगा, लेकिन किसी ने कहा नहीं कि पिछले 70,000 साल की जो हमारी हिस्ट्री है भाषा की, उसमें से 65,000 साल भाषाविद सामने बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं जोखिम उठा रहा हूं दोहराने का कि 70,000 साल हमारी जो भाषा के साथ हैं उसमें 65,000 साल बिना लिपि के। तो इन 65,000 सालों में हम तो ओरल समाज रहे ना, तो इसलिए लोक में जो ये जो हमारा अभी आग्रह आता है बहुत ही पावरफुली आता है कि स्क्रिप्ट नहीं है, तो अभी तक तो हम बोलने वाले समाज रहे। नागालैंड आज भी बोलने वाला समाज है, अब लिप में आ रहा है। और जब आप कोई एक तय कर लोगे कि ये होना चाहिए तो वो लिप के लिए करोगे, जिस समय मैं बोलूंगा उसमें आप कुमाऊनी बर्तनी को मुझ पर थोप नहीं सकते। मैं गंगोली का रहने वाला हूं, मैं अल्मोड़िया नहीं बोलूंगा। आप थोड़ी देर के लिए उत्तरकाशी के रहने वाले हैं तो आप श्रीनगरिया बोलने से इनकार भी कर सकते हैं, और यही तो उसमें ओरलिटी की सबसे बड़ी ताकत तो यही है। तो इस दौर की जहां की मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये समाज ओरल समाज रहा, दलितों का, इवन महिलाओं का समाज ओरल समाज रहा। वो गीत गा सकती थी लेकिन लिखती नहीं थी। तो ये जो दो चीजों ने हमारे साहित्य को समृद्ध किया, इस कथेतर साहित्य को, वह दलितों की जो आत्मकथाएं आई और जो महिलाओं की आत्मकथाएं आई, उनका बहुत विस्तार है। वहां से शुरू किया जा सकता है कि सोमन देबुआ ने जब सेकंड सेक्स से लिखा तो तहलका मच गया पूरी दुनिया में, बहुत उन्हें पढ़ी होगी, हिंदी अनुवाद उसका उपलब्ध है। आगे आए तो आप देखेंगे कि दो तीन का जिक्र, मैं मुझे कंजूसी हो रही कि मैं दुनिया भर में नहीं विचरना चाहता हूं, यहीं आ जाऊं। मीरा बहन हमारे यहां रही, पशुलोक में रही, पशुलोक से फिर ऊपर आई और आपकी गवेली में रही। तो उनकी एक बहुत ही पढ़ने लायक जीवनी है जिसका नाम है स्प्रिट्स पिलग्रिमेज। उसको आप पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ उसमें एक दृश्य तो मैं आपको बताऊंगा कि आप समझेंगे कि आपके सामने एक तस्वीर आ गई है, मूवी तस्वीर आ गई है, जब वो हरिद्वार में पशुलोक के आश्रम में बैठ के वो देख रही हैं कि कैसे एक बहुत बड़ा हाथियों का झुंड जो है नदी को चांदनी रात में पार कर रहा है, और बड़े हाथी और हथिनियां जो है वो किस तरीके से बच्चों को समेट समेट के पल्ली तरफ ले जा रही है। ऐसे ग्राफिक दृश्य उसमें है, लेकिन हमारे ग्रामीण समाज के पूरे दृश्य हैं, हमारी गरीबी, हमारी आत्मनिर्भरता, हमारे जंगल, हमारी नदियां, हमारे नेचुरल कैलमिटीज, इन सब का अपने तरीके से वर्णन करते हैं। बहुत शॉर्ट स्टे रहा उनका, गांधी जी के हत्या के बाद वो यहां आई और फिर मन नहीं लगा और बाद में वो ऑस्ट्रिया चली गई और वहां बिथोपन म्यूजिक की वो बहुत प्रेमी थी और उसके बाद वहीं उनकी डेथ हुई। तो ये जीवनी स्प्रिट्स पिलग्रिमेज एक बड़ी अमानत है और हमारे किसी साथी को कोशिश करनी चाहिए कि वो उसमें उसका हिंदी अनुवाद हो। एक इतने ही मजेदार जो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी आई है वो सरला बहन की है, जिसका हिंदी रूप समय साक्ष ने छापा है, व्यवहारिक वेदांत।
हमने उसका अंग्रेजी अनुवाद छापा, क्योंकि अंग्रेजी की दुनिया को जरा सी जिसको कहेंगे कि उलान था, नाराजगी थी कि हमारे लिए अंग्रेजी में वह किताब उपलब्ध नहीं है, कि सरला बहन चाहती थी कि वह हिंदी में ही लिखें। दुर्भाग्य से ये किताब इमरजेंसी में छपी, 76 में छपी, तो उसकी चर्चा नहीं हो पाई। सरला बहन की जो आत्मकथा है ए लाइफ इन टू वर्ल्ड्स करके वो छपी है, बहुत सराही गई है वो। उस आत्मकथा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उस आत्मकथा को लिखने वाला जो लिख रही है उसको मीरा बहन, सरला बहन तो उसमें किनारे में है और पूरा उत्तराखंड उसमें केंद्र में है। ये सबसे बड़ी विशेषता है और ऐसा बहुत विरल होता है कि आप ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो लेकिन आप केंद्र में नहीं हो, आप पेरीफेरी में हो, ये बहुत कम होता है। और सरला बहन ने ये करके दिखाया, उसमें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज आ रहे हैं, उनके घर में जो पत्नियां हैं उनकी वो आ रही हैं, जो अपने पतियों के जेल में जाने के बाद अपने बच्चों को उनको पाल रही हैं, और दूसरा जो है संग्राम में भी आ रही हैं, स्थानीय आंदोलन में भी आ रही हैं। ये किताब भी बहुत पढ़नी है, सौभाग्य से हिंदी अंग्रेजी में उपलब्ध है और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले वर्षों में और भाषाओं में भी ये जाएगी। इसके बाद गंगोत्री गर्ब्याल जो हमारे यहाँ की सबसे प्रारंभिक लेडी ग्रेजुएट्स में से रही, 36-38 सन में जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमए कर लिया, उस समय अल्मोड़े और श्रीनगर के प्रबुद्ध जो ब्राह्मण लोग थे वो अपनी लड़कियों को इलाहाबाद या कहीं भेजने के वो नहीं थे, लड़कों को जरूर भेजते थे, उनको ICS भी बनाते थे और लंदन भी भेजते थे, लेकिन लड़कियों को जो है वो चाहते थे कि 13-14-15-16 साल में शादी हो जाए उनकी और वो अपने पति के साथ जाए। उस दौर में अल्मोड़े के टमटा परिवार की लड़की लक्ष्मी पहली ग्रेजुएट बनी और इसी तरीके से गंगोत्री गर्ब्याल ने रिटायर होने के बाद यादें करके अपने संस्मरण लिखे, तो वो भोट की कहानी, वहां के रूपांतरण की कहानी, और हमारे यहाँ जो लोअर स्टाटा है जो शिक्षा में नहीं था, आजादी के बाद वो किस तरीके से शिक्षा में आ रहा है उसकी कहानी को कहती है, कंजूसी से कहती है लेकिन अपने तरीके की वो आत्मकथा बहुत पठनी है। और महिलाओं की उसमें आपने प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या बहुत उन्हें पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी हो उसको पढ़ना चाहिए, एक ऐसी लेखिका की वो दास्तान है जो एक औद्योगिक परिवार से भी रही लेकिन उसके बावजूद भी उनके भीतर का साहित्यकार जीवंत रहा और बाद तक बना रहा। इसी तरीके की कुछ किताबें और हैं जिनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, और दलित में तो बहुत इस बीच आया है, आपने जूठन पढ़ी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि में आते ही कहना चाहता था कि मैं दयानंद अनंत, राम सिंह जी, RS टोलिया और अनुपम मिश्र को याद करके अपनी बात कहूं, लेकिन जैसा होता है समय के प्रबंधन में गड़बड़ी हो जाती है। इस शहर के साथ कितने साहित्यकारों का रिश्ता रहा अभी उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि भी हमारी ही एक हस्ती थे और इस शहर में उनके अंतिम बहुत वर्ष यहीं भी थे। उनकी जूठन असाधारण रचना एक तरीके से है और जूठन के अनुभव हम कोई दे ही नहीं सकते, सिर्फ वही दे सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि जो हजारों साल से जो एक ओरल समाज था जब वो लिपि में आया, जब वो लिखित साहित्य में आया, उसने बेहतरीन चीजें दी, चाहे महिलाओं ने दी हो चाहे दलित ने दी हो। और दलितों में अक्कर मच्छी आपने सुना होगा क्योंकि सबसे पहले मराठी और गुजराती में ये चीजें आई, पटेल की बहुत फैसिनेटिंग किताब आई है, तुलसीराम की किताबें आपने पढ़ी होंगी जिनकी हाल में मृत्यु हुई, खास तरीके से मणिकर्णिका और दूसरी उनकी जीवनी थी, ये आत्मकथाओं की बहुत विशद वह है। अब मैं अंतिम वाले हिस्से में आता हूं जल्दी जल्दी। यात्रा साहित्य एक असाधारण पक्ष है जिसको कहेंगे कि जो कथेतर जो साहित्य है उसमें से, और यात्रा संस्मरण इस पर निर्भर है कि जो व्यक्ति लिख रहा है वो कितना इंटेंस है, उसका होमवर्क कितना है, उसके दिमाग में कितना पहले से मौजूद खजाना है, और फिर वो किसी इलाके में जाने के बाद उस समाज को, वहां की संस्कृति को, वहां के नेचर को, और जो स्थायी नेचर है और जो बदलता नेचर है मौसम के कारण, उस सबको देखने के बाद किस तरीके के ऑब्जर्वेशन करता है। ये गद्य विधाएं ज्यादा है, बहुत कम ऐसे पाया जाता है कि जब आपने कविता में जो है ट्रेवलॉग लिखा हो या जीवनी लिखी हो, ऐसा कम है, महाभारत रामायण को छोड़ दें तो। यात्राओं में और ये जो पर्वतारोहण का साहित्य भी बहुत बाद में लिखा गया, इनमें मैं शुरू करना चाहता हूं कि हमारे पास सबसे पहला विहंगम यात्रा वर्णन अपने इलाके का और वैसे भी उपलब्ध जो है ह्वेन सांग का है, जो चीनी यात्री था और हमारे फुट हिल्स में वो 637 सन में आपके बगल से गुजरा, देहरादून एक घनघोर जंगल हुआ करता था लेकिन कालसी अपनी जगह पर थी जहां अशोक का शिलालेख है। कालसी से जब वो चला तो अगला सेटलमेंट तो उसको गंगाद्वार ही मिला या हरिद्वार ही मिला, हरिद्वार नाम था ही नहीं, उसने गंगाद्वार नाम दिया है। उसके बाद अगला सेटलमेंट उसको मोरध्वज ही मिला और फिर वो ढेकुली पहुंचा जो रामनगर के बगल में है, तब वो गोविषाण पहुंचा जो आज का काशीपुर है, तब वो हमारे बीरेंदा बीरेन डंगवाल के अहिछत्र को यानी कि बरेली को चला गया। ये पहला ट्रेवल लॉग है जो ये उस जमाने की पॉलिटिकल इकोलॉजी
दोनों को हमारे सामने रखता है, कितने राज हैं, महिलाओं का शासन है करके भी लिखती है, यहाँ के जंगलों के बारे में वर्णन करता है, यहाँ के उसके बारे में भी। और लगते लगते मैं ये बताना चाहता हूँ कि ह्वेन सांग के जीवन को लेके इधर दो बड़ी किताबें आई हैं। एक किताब आई है 10,000 Miles Without a Cloud, एक चीनी महिला ने लिखी है वो, और उसमें ह्वेन सांग की यात्रा का वर्णन है और खुद वो उन जगहों में गई जहां जहां ह्वेन सांग गया, ज्यादा नहीं गई, कम कम गई। उसने उस जीवनी के बहाने 10,000 Miles Without a Cloud के बहाने पुराने चीन और पुराने भारत के अंतर संबंधों को सामने रखा। उस किताब से ये पता चलता है कि जब ह्वेन सांग भारत आने लगा तो चीन के राजा ने उसको मना किया, लेकिन वो अपनी जिद का पक्का था, वो आया। हाँ, जब वो लौटा तो लोगों ने सोचा कि राजा इसको मार देगा क्योंकि इसने राजा की अवमानना की, लेकिन राजा ने लौटने के बाद उसको अपना मंत्री बनाया और कहा कि भारत में जो तुम देख के आए, जो सीख के आओ, उसको यहाँ आप जीवन में उतारो। बहुत फैसिनेटिंग किताब है। उसकी रिप्लिका एक हमारी एक इंडियन लड़की ने लिखी जिसका नाम है सिमी सरन करके नाम है, भी कोरिया में रहती है, उसने ऑन पिलग्रिम्स फुटप्रिंट्स करके उसकी किताब आई है जो एक तरीके से उसको रीइन्वेंट करती है ह्वेन सांग को। तो यात्राओं में ह्वेन सांग से हम शुरुआत करते हैं। ह्वेन सांग से जब हम कुछ आगे जाते हैं तो फिर बीच में कुछ फुटकर हमारे यात्राएं आती हैं, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में 1624 की एक यात्रा है जो पठनी है और हमने उसका एक छोटा अनुवाद पहाड़ में भी छापा था, वह जेस्विट फादर अंद्रदे की है। वो 1824 में आया, गोवा से जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर ने कहा कि जहांगीर के जमाने में भी जो फिरंगों का असर होता होगा चमड़ी का, उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ कश्मीर चलोगे जो कि समर कैपिटल है। उसको किसी ने बताया कि हरिद्वार में कुंभ चल रहा है और वहां कोई सिर घुटे हुए फॉरगॉटन कोई बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, वो आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में आया कि फॉरगॉटन क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं। तो अंद्रदे और उसके साथी कश्मीर न जाके हरिद्वार आ गई। हरिद्वार के कुंभ से वो पहले गंगा के साथ फिर अलकनंदा के साथ चले। गढ़वाल में श्याम शाह का शासन था, 1824 की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद वो चला गया। श्याम शाह की पुलिस हमारी तरह सुस्त रही होगी तो वो आगे निकल गए। श्याम शाह की पुलिस जो है नहीं जा पाई वहां, और दी क्रॉस ओवर माणा पास उसकी 3 उंगलियां गल के झड़ गई, फ्रॉस्ट बाइट हो गया उसको, और वो छपरांग पहुंच गया। छपरांग पहुंच करके ही बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन हु क्रॉस्ड ओवर हिमालयाज। उससे भी बड़ी विशेषता हुई कि ही मेड द वेरी फर्स्ट चर्च इन छपरांग। 3-4-5 साल के बाद विद्रोह हुआ तो उसको तोड़ दिया गया वगैरह वगैरह, लेकिन वो उसकी यात्रा में बहुत सारा वर्णन यहाँ का आता है, फादर अंद्रदे का, जो जेस्विट फादरी वहां से यूरोप से उस जमाने में आया था। जरा सी आगे चलते हैं तो उसके बाद हम 1624 के बाद एकदम से 1812 में जाते हैं। उसमें मूरक्रॉफ्ट नामक एक अंग्रेज आया जो एक वेटनेरियन था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टट का इंचार्ज था घुड़साला का। वो हमारे यहाँ पहले बार में आ चुका था यहाँ, उसके बाद वो आपके सहारनपुर में यहाँ बोटनिकल गार्डन अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। उस समय 1812 में उसने माणा पास से तिब्बत की यात्रा की। वो पहला ऐसा अंग्रेज बना जिसने हिमालय को साउथ से नॉर्थ को पार किया हो, और मानसरोवर से निकलने वाले सतलज नदी का स्रोत उसी ने उस जमाने में ढूंढा। वेटनरी सर्जन था लेकिन कैटरेक्ट के ऑपरेशन भी करता था, और बाद में दोबारा वो हिमालय में आया 1818 से लेकर 1826 तक। उसमें वो टिहरी का पहला विटनेस वही था, टिहरी का पहला वर्णन 1819 में टिहरी कैसा था उसकी किताब से पता चलता है। फिर वहां से वो श्रीनगर, फिर उसके बाद वो शिमला गया, शिमला के बाद फिर और आगे गया, शिमला अभी बसना शुरू नहीं हुआ था, लद्दाख गया, लद्दाख से फिर अंडखोई गया जो काबुल के पास है, और वहां उसकी मृत्यु होगी। लेकिन कहानी ये है कि ही फेक्ड हिज ओन डेथ, और उसके बाद वो दूसरे भेस में जो है लासा 10 साल रहा, लासा से लौटते हुए उसको तिब्बत के डाकू ने मार डाला। उस पर अभी काम हो रहा है, लेकिन उसकी जो उसके मेमोयर्स हैं वो जीवनी और मेमोयर्स दोनों का हिस्सा मिला जुला रूप है। उसमें उस जमाने का प्राकृतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, बीमारियां, उत्पाद, इन सब की बहुत बड़ी चर्चा मिलती है। ये 1812 से लेकर 24 तक की कहानी है। जल्दी से आगे निकलते हैं तो नैन सिंह रावत आते हैं, जिसकी चर्चा कल बटरोही जी ने की थी। नैन सिंह रावत की जो डायरियां हैं असाधारण है, लेकिन बहुत कम है, कम लिखा उसने, हम तक कम पहुंचा, लेकिन फिर भी उसकी 3 डायरियां मिली। उसकी भाषा के 2 नमूने दिए थे, मैं एक तीसरा नमूना देता हूं। जैसे ही वो मध्य एशिया में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां की महिलाएं बिल्कुल, मध्य एशिया की महिलाएं तो बिल्कुल जिसको कहेंगे कि जो खस चेहरा है, जो जिसको कसाइड चेहरा बोलते हैं, नॉर्डिक चेहरा बोलते हैं, वो चेहरा है, बहुत सुंदर चेहरा। तो उसने लिखा था कि यहाँ के हुस्न इंग्लैंडियन लौंडियों की माफक है।
माफक है, ये भाषा है उसकी। एक उधर की भाषा, जब वो ऊपर यारकंद गया था तो एक तप्पड़ से उसने देखा कि यारकंद शहर फैला हुआ है, तो उसको लगा कि ये चौखट चौखट किस्म का है, तो उसकी भाषा क्या बन रही है, बहुत सहज। उसको क्या पता था कि हम दुष्ट लोग उसकी डायरियों को 21वीं शताब्दी में छापेंगे, तो उसने लिखा है यारकंद शहर का चेहरा चौकोर है, यारकंद शहर का चेहरा चौकोर है। ये भाषा अनजाने ही बन गई, लेकिन उसका यात्रा योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि वो उन भूगोलों में गया जिन भूगोलों में औसत आदमी नहीं जाता था। तीर्थयात्री कुछ देखता ही नहीं था अपने भगवान के अलावा, इसलिए इतने तीर्थयात्रियों के होने के बावजूद हमारे पास तीर्थयात्रा का कोई साहित्य नहीं है। अगर उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास होती तो हमारे पास कम से कम 2500 साल का पूरे हिमालय के क्षेत्र की गई यात्राओं का इतिहास होता, दुर्भाग्य से वो नहीं है। तो नैन सिंह के बाद आगे जाते हैं तो फिर सीधे हम राहुल पर पहुंचते हैं। राहुल की जो 5 खंडों में प्रकाशित किताब है और जिसकी पेज संख्या अगर मैं भूल ही रहा हूं 2770, मैं जल्दी सिमटाता हूं, 2770 पेज में फैली हुई है, तो वो राहुल की जीवनी के साथ साथ एक तरीके से जहां जहां वो गए हैं, 18 यात्राएं हिमालय की, 4 यात्राएं तिब्बत की उसने की हैं, उन इलाकों का भी इतिहास है। प्रकारांतर में बौद्ध धर्म का इतिहास भी है, हिमालय की प्रतिभाओं का भी इतिहास है। तो यात्रा संस्मरण कितना विराट हो सकता है और कभी कभी कितना संक्षिप्त तो हो सकता है, जैसे मोहन रागेश का आखिरी चट्टान तक, या अज्ञेय की किताब आपने पढ़ी होगी अरे याय और रहेगा याद, या निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदी, एक छोटे छोटे हिस्से लेते हैं और एक और इतना विराट यात्रा हो सकती है जैसे कि राहुल ने की। बहुत सारी किताबें इसमें हैं जिनको मैं छोड़ दे रहा हूं, जैसे एक आई लास्ट सौ तिब्बत करके एक 1956 की किताब आई थी, बहुत मशहूर करके घोष हुआ करते थे, उनकी किताब है। विक्रम सेठ की बड़ी सेलिब्रेटेड किताब है जो उनकी वेरी फर्स्ट किताब थी, जिनको कि बाद में इतने अवार्ड्स मिले, उनकी जो हेवन लेक करके जो किताब थी, वो उगवेर जहां बड़ा अनरेस्ट हो रहा है तिब्बत के बगल में, वहां की दास्तान थी, इकोनॉमिस्ट के रूप में वहां गए थे। चे गुवारा की मोटरसाइकिल डायरीज आपने पढ़ी होगी, अपने आप में अनोखी कहानी थी जिसमें उसने पूरी लेटर अमेरिका को उसने जाना। और इसमें बहुत सारी और किताबें हैं, जैसे विद्यासागर नौटियाल की भीम अकेला एक ट्रेवलॉग है, और उस ट्रेवलॉग के बहाने आप टिहरी के संघर्षों को इतना जीवंत बना देते हैं कि आप कभी कभी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी जिजीविषा उस समाज में है जिनका वो उस समय प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भीम अकेला को मैंने दुस्साहस करके एडिट किया था, लेकिन उसका उन्होंने नाराज नहीं माना था, बाद में वो स्वतंत्र पुस्तक के रूप में भी एक तरीके से आई थी। एक दो किताबों का और जिक्र करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गोविंदा अनागरिका लामा जो बहुत बड़े बुद्धिस्ट थे और जिनका पूरा सामान अभी आपके सैंक्शन इंस्टीट्यूट में यहाँ देहरादून में आ गया है, उनकी एक किताब है द वे ऑफ द व्हाइट क्लाउड्स, और ये 1949-50 के उस तिब्बत को हमारे सामने जीवंत रखते हैं टेक्स्ट और पेंटिंग्स और फोटोग्राफ के रूप में, जिस तिब्बत को पूरा का पूरा चीन ने ध्वस्त कर दिया, 1000 साल से पुराने मोनेस्ट्रीज को वहां खत्म कर दिया। उस तिब्बत का आखिरी दस्तावेज द वे ऑफ द व्हाइट क्लाउड से है, जो उधर से वो गए हिमाचल प्रदेश से और फिर उधर ही से वो लौटे, और बहुत ही फैसिनेटिंग किताब है, 3rd-4th संस्करण उसका आ गया है। कुछ और किताबें हैं, जैसे एक का जिक्र करना मुझे भूलना नहीं चाहिए, जर्मनी के 3 बड़े एक्सप्लोरर यहां आए, श्लागेंट वाइट ब्रदर्स, जो सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम करके यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे को और आगे ले जाना चाहते थे। 1854 से लेकर 58 तक उन्होंने भारत में काम किया, 3 भाई थे, उन्हीं का कुली बन के नैन सिंह ने अपना करियर शुरू किया था, लेकिन अभी उसके विस्तार में जाने की का समय नहीं है। इन श्लागेंट वाइट ब्रदर्स ने हर चप्पा चप्पा हमारे यहाँ का छाटा, और कैमरे का आविष्कार होने के बाद दे वर द फर्स्ट पीपुल जो हमारे यहाँ कैमरा लाए। जब मैं पिछली बार बर्लिन से उनकी केदारनाथ की फोटो लाया तो मेरे लिए यह आश्चर्य था कि इतनी एक्यूरेट कैसे है, क्योंकि उतनी एक्यूरेट पेंटिंग नहीं हो सकती है, पेंटिंग की एक ये प्रॉब्लम होती है कि वो 100% नहीं होती, वो फोटोग्राफी हो सकती है। तो बाद में जब मैंने वहां के म्यूजियम में, बर्लिन के म्यूजियम में जहां उनकी करीबन 3600 उसके आइटम रखे हुए हैं, मैंने पूछा कि इसका कारण क्या है, उन्होंने कहा नहीं, एक भाई फोटो खींचता था और हल्के रिजोल्यूशन में दूसरे भाई को देता था जो इसको पेंट कर। तो इस तरीके से वो केदारनाथ की सबसे पुरानी पेंटिंग है, 1855 के किसी 17 अगस्त या 18 अगस्त की है, मिलम गांव की है, हमारे लीलम गांव की है। नैनीताल की एक इतनी फैसिनेटिंग पेंटिंग है, उसके नीचे जो टाइटल है वो तो आपको द्रवित कर देता है, नैनीताल विलेज, उसके नीचे जो शीर्षक है वो नैनीताल विलेज है। 8 खंडों में इसकी ये किताब छपी हुई है, ट्रेवलॉग का शैली नहीं है। एक और किताब की जिक्र करके, नेत्र सिंह रावत की, अनिल यादव की, प्रयाग जोशी, प्रभात उप्रेती, पंकज मिश्रा, अजगर बदावत की तमाम किताबों को मैं छोड़ देता हूं जो बहुत ही पठनीय आई है, मैं एक किताब का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करता हूं। वो किताब है एक बहुत ही मशहूर जियोलॉजिस्ट
गुरु शिष्य यहाँ आए थे, जिनमें से गुरु का नाम था हेम, स्विस जियोलॉजिस्ट थे, 36 में हमारे यहाँ आए, पूरे उत्तराखंड के बड़े हिस्से में वो रहे, और सबसे मशहूर जियोलॉजी की किताब सेंट्रल हिमालयाज उन्होंने लिखी, जो 39 में आपके लिए लंदन से छपी, जर्मनी में भी छपी, स्विस में भी छपी। जब वो किताब लिख रहे थे तो उनको लगा कि उत्तराखंड में और तिब्बत में घूमते हुए वो मुंह में ये जो अखरोट की छाल का वो रंग लगा करके जो गेंसिर था यंग, जो 101 साल की उम्र में 3 साल पहले जिसकी डेथ हुई, जिसने अपनी जन्म शताब्दी समारोह को प्रिजाइड किया, उस गेंसिर ने तिब्बत में जाके 2-3 दिनों में उसका मुख पूरा धुल गया, तो उसकी अंग्रेजी है तो उसकी फिरंगपन दिखने लगा, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर दूसरे दर्रे से भाग के वो आया। उनको ये लगा कि जो जियोलॉजी की किताब हमने लिखी उसमें इतना सा ही आया है उनके अनुभवों का, एज ए जियोलॉजिस्ट आया है, लेकिन जो हमने यहाँ का समाज देखा है, यहाँ की संस्कृति देखी है, यहाँ की बायोडायवर्सिटी देखी है, यहाँ का कल्चर देखा है, यहाँ के रिलीजन देखे हैं, तिब्बत गए हैं, उसका क्या होगा। तो उन्होंने अपने यात्रा संस्मरणों को एक किताब के रूप में रखा, जो द थ्रोन ऑफ द गॉड्स करके उसी साल छपा। तो उसी तर्क पर हम बल्दिया साहब को मना सके कि वो अपनी जीवनी लिखें। तो ये तमाम साहित्य हैं जो हमारे सामने आए हैं, और ये जो जीवनियां हैं और जो ये आत्मकथाएं हैं और जो ये संस्मरण हैं, ये एक तरीके से हमारी जब हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, चाहे वो सोशल कल्चरल हिस्ट्री हो और चाहे वो पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, कभी कभी ऐसा है कि इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल हिस्ट्री हो, उस सब के लिए बहुत बड़ा सामान भाषाओं पर इन लोगों ने जिक्र किया है। भाषाओं की गले वो जो अंत में एक एनेक्स्चर होता था जिसमें वो भाषा का पूरा एक इंडेक्स देते थे, अपेंडिक्स देते थे, जिसमें यहाँ के शब्दों का अर्थ देने की कोशिश करते थे, इसका बहुत बड़ा योगदान इनका होगा। और मुझे लगता है कि हमारी जो मेन स्ट्रीम साहित्य है उससे कमतर इनकी भी भूमिका नहीं है, और हमारे उत्तराखंड के और हिमालय के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन फील्ड्स में लिख रहे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं जो समय से आगे निकला उसके लिए माफी चाहता हूं।